दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सभी अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य और मैं आज आपको बताऊंगा कि कुत्तों के अंदर वैक्सीन का महत्व क्यों जरूरी होती है, आखिर वैक्सीन और क्या इसके फायदे हैं इस वैक्सीन के, और इस वैक्सीन के जो है कब कब लगाते हैं और कैसे इसका लगाते हैं, इसका प्रैक्टिकल वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और साथ में घंटी के निशान को भी दबा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बार बार कि सर कैनाइन डिस्टेंपर का इलाज बताइए और पार्वो वायरस का इलाज बताइए, पैरालिसिस का इलाज बताइए। बहुत सारे मेरे पास जो है सवाल आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 200-250 रुपए की वैक्सीन आती है और बात करें 9-in-1 की, 6-in-1, ये 200 से भी कम की आती है। एक 9-in-1 लगवा दें और दूसरा रेबीज जो है, रेबीज भी जो है आपका 70-80-90 रुपए की रेबीज का भी जो वायल आपकी आ जाती है। तो इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसे 9-in-1 की बात करें तो 9-in-1 के अंदर का मतलब है 9-in-1, एक में जो है 9 बीमारियों से लड़ने की जो है ताकत है। यदि 9-in-1 वैक्सीन जो लगवा देते हैं तो 9-in-1 वैक्सीन के अंदर 9 बीमारियों से भी बचाता है, जिसके अंदर पार्वो वायरस भी है, कैनाइन डिस्टेंपर भी है, लेप्टोरोसिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीमारी से जो है रोग से बचाव करते हैं वैक्सीन यानी कि टीका। तो ये टीकाकरण जो है आप समय रहते करा लें। पहला टीका लगाएंगे 6 हफ्तों में, यानी कि 1.5 महीने पे पहला टीका लगता है आपके पपी को, और दूसरे टीके की बात करें तो दूसरा टीका जो है फिर उसको 1 महीने बाद लगवा दें, और फिर 6 महीने में या साल भर में जो है बूस्टर डोज जो है आप उसको जारी रखें। बूस्टर डोज लगती रहे तो ये मतलब जो साइकिल है, चक्र है, टूटना नहीं चाहिए, ये वैक्सीन जो है उसकी टूटनी नहीं चाहिए। दूसरा उसको जो है रेबीज भी उसको जो है उसको रिपीट में मतलब तो बूस्टर जो रेबीज की जो है वो भी लगती रहनी चाहिए, ठीक है। 6 महीने में लगा दें, साल भर में तो लगा दें जरूर दें। तो ये आपको जो है काम करने हैं। अब बात करेंगे बीमारी की। तो बीमारी जब हो जाती है तो जिस पप्पी को ये बूस्टर डोज लगी हुई होगी या वैक्सीन लगी हुई होगी तो उस पर जो है अटैक तो होगा, उस बीमारी को, बीमारी का अटैक तो होगा, ऐसा नहीं है, इफेक्ट जरूर पड़ता है, मगर फिर भी वो बच जाता है, बचने की उसकी कंडीशन हो जाती है। और आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते जो है सोते सोते जो है फिट आते हैं, उनको हल्के हल्के झटके से मारते रहते हैं। अब ये झटके क्या हैं, झटके जो है अटैक है, ये पार्वो का अटैक है, और कुत्ता जो है आगे पीछे को जो है झटके से मारता है, ये सब क्या है, सब अटैक हैं किस चीज़ के, या तो आपकी वैक्सीन फेल हो गई है या आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो डिस्टेंपर का कोई इलाज कुछ खास नहीं है, फिर भी कुत्ता जो है वो झटके से जो है इलाज के बाद भी मारता रहता है। तो यदि इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो इन चीज़ों से बचने के लिए समय से जो है वैक्सीन कराएं। साल भर का खर्चा जो है 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आता वैक्सीन का, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले के साल जो है वैक्सीन खर्चा 500 रुपये, उसके बाद तो वो जो है मात्र 200 रुपये में, 300 रुपये में जो है उसका जो है हो जाएगा, 250-300 रुपये में हो जाएगा। तो ये 250-300 रुपये आप साल में एक बार तो खर्च कर सकते हैं यार एक डॉग पे। शुरू में 500 रुपये लग जाते हैं क्योंकि वैक्सीन जो है रिपीट होती है 1 महीने के बाद, यानी 12 हफ्ते पे जो है फिर रिपीट हो जाए, पहले 6 हफ्ते पे, दूसरी 12 हफ्ते पे, फिर उसके बाद जो है फिर बूस्टर डोज लगती रहती है, उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो है ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि किस नाम से आती हैं, कैसे लगाएं। नाम बता दूं मैं आपको, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे आपका रेबीज की है तो रक्षा के नाम से आती है, रक्षा के नाम से रेबीज आती है, और 9-in-1 वगैरह जो है आपके मेगावैक के नाम से, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। तो ये दवाई आप जब मांगेंगे उसको जब लेके आएंगे तो बर्फ में आइस पैक के अंदर जो है लेके आए, आइस पैक नहीं है तो पिंडी के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल लें, उसके अंदर वायल की छोटी छोटी शीशी डाल के उसको लेकर आए। टेम्परेचर जो है वैक्सीन का 2 से 7 के बीच में रहना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा खराब हो जाएगा।
वो जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा साथ से गर्मी हो जाएगी तो खराब हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन का कोई फायदा नहीं। कहने का मतलब ये है कोल्ड चेन जो है टूटनी नहीं चाहिए। अब बात करेंगे उसको लगाएं कैसे। इसके अंदर 1 ml दवाई होती है और एक डाइल्यूटर होता है यानी घोलने के लिए दवाई होती है, उसको उसके अंदर डालो, 2 cc आती है, घोल के जो है भर के सिरिंज के अंदर और उसके अंदर जो है लगा दो। ये जो है सब कट लगता है, खाल को उठा के उसके मांस से, मांस के और खाल के बीच में जो है टिशू होते हैं, उस टिशू के अंदर जो है ये लगता है और आपका डॉग जो है पूरी तरह से सेफ हो जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस वैक्सीन को लगाया जाता है, आइए दिखाते हैं। आज हम देखेंगे कि जो 9-in-1 जो वैक्सीन है वो कैसे लगाते हैं और कैसे उसको घोलते हैं। तो ये हमारा जो है बुलवेस्टिक की जो है ब्रीड है, इसको जो है हम 9-in-1 लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर जो है ये वैक्सीन पूर्ण रूप से जो है आइस पैक के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो ये जो है खराब हो जाएगी टेम्परेचर ज्यादा होते के साथ ही। इस आइस पैक के अंदर जो है रखने के बाद, ये निकालने के बाद जो है ये दो चीज मिलेंगी आपको, एक तो ठोस मिलेगा ये जिसके अंदर दवाई है और एक मिलेगा ये लिक्विड यानी कि डाइल्यूटर, इसको जो घोलने के लिए डाइल्यूटर का यूज करते हैं। तो इसको जो है अब घोलते हैं, सिरिंज ले लेंगे 5 ml 2 ml की, इसकी जो मात्रा है 1 ml की मात्रा है इसकी, सबसे पहले डाइल्यूटर को जो है इस तरह से भर लेंगे हमें। ये वेनुगार्ड की वैक्सीन है, ये डाइल्यूटर साइज का और ये इसकी वैक्सीन है, 5L4 के नाम से जो है आती है। अब इसको जो है इसके अंदर जो है डाल देंगे। डालने के बाद जो है इसको हिलाएंगे, ये इतना सॉफ्ट होता है डालते के साथ ही जो है एकदम घुल जाता है, फिर भी थोड़ा सा हिला लेंगे इसको। कि कोल्ड चैन का जो है ध्यान रखना है, आइस पैक भी साथ ही लाएं नहीं तो ये खराब हो जाती है, कोई भी फायदा नहीं है लगाने का। और याद रखिए इसको जो है सब कट लगाते हैं, खाल को उठा के इसको लगाते हैं, ऊपर की दो खाल के और मांस के बीच में जो है इसके टिश्यू होते हैं उसमें ये लगना चाहिए। आइए मस्कुलर नहीं लगाना है, इसको डाइल्यूटर के साथ साथ जो है जेल भी कह देते हैं, लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, तो एक्सपायरी जो है इसकी जरूर देख लें। इंजेक्शन जो भर लिया है इसको जो है ऊपर तक ले जाएंगे, इसमें बबल यानी बबल नहीं पड़ने चाहिए और कहीं भी आगे पीछे जो है इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके लगाने के लिए आप जो है इसकी स्किन को जो है उठा लें ऐसे, स्किन को उठा लें ऐसे, और स्किन को उठाने के बाद जो है इसको लगा दें, लगाने के बाद जो है अच्छे से इसकी मालिश कर दें। तो इस प्रकार जो है आप भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहे तो इसके साथ रेबीज भी लगा सकते हैं यदि रेबीज की डेट है, और हमेशा लगाने के बाद जो है इसके वैक्सीन कार्ड में जो है इसकी एंट्री जरूर करें। वैक्सीन कार्ड के अंदर जो है इसकी एंट्री कर दें किस डेट में जो है आपने ये लगाया है। उससे पहले जो है तो इसको जो है निकाल लेंगे, इस पे ये निकालने के लिए स्टिकर होता है, ये आसानी से जो है निकल जाता है, ये कटिंग दी हुई होती है इसके अंदर। अब इसको जो है इस स्टिकर को यहाँ पे लगा देंगे,
लगाने के बाद इसको जो है, ये इसकी तीसरी वैक्सीन है, आज की डेट डाल देंगे। ये जो अगला कॉलम है नेक्स्ट डेट का है, नेक्स्ट डेट की डेट डाल देंगे। ये रेबीज का है, रेबीज की जब लगेगी जब डलेगी। और ये है आपका डिवॉर्मिंग का, तो डिवॉर्मिंग में लिख के किस डेट में नेक्स्ट ड्यू डेट कब है, कौन सी दवाई आपने इसमें डिवॉर्मिंग दी है, ये सब चीजें ये मेंटेन करके आपको करनी रखनी है। तो इसी प्रकार से जो है 9-in-1 लगाते हैं, ये 9 बीमारी से जो है डॉगी को बचाता है। तो इस तरीके से जो है आप लगा सकते हैं। धन्यवाद।